भयानक अकाल के समय इजरायली अब्राहम के वंशज मिस्र में बस गए, जहां उन्हें 400 सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया। उन्होंने कई सदियों जुल्म और सितम सहे, पर उनकी संख्या बढ़ती गई इस डर से कि वो उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। फैरो ने सभी छोटे हिब्रू लड़कों को नाइल में डुबाने का आदेश दिया। उसको फैरो की बेटी गुप्त रूप से गोद लेती है और वो शाही दरबार में बड़ा होता है, अपने मामा यानी भविष्य के बादशाह के साथ। उसका नाम मोसेस है। वो मिस्र के शहजादे थे और उनके पास फैरो के महल की तमाम सुख सुविधाएं थीं, और क्योंकि वो शाही परिवार के सदस्य थे उनके पास सब कुछ था। इसके बावजूद मुझे लगता है कि उनको पता था कि वो कुछ अलग है, कि वो जन्म से ही सबसे अलग है। टोरा हमें ये नहीं बताता कि उनका हिब्रू नाम क्या था। ये इस कहानी के बहुत से रहस्यों में से एक है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि मोसेस को अपनी पहचान और नियति के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। अंदर की वो घुटन तब जाहिर हुई जब मोसेस बड़े हो चुके थे और उन्होंने एक मिस्रवासी को एक हिब्रू को मारते हुए देखा। अपना काम करो,